हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का, जिसमें मुख्यतः जो चुनाव में होने वाले, क्योंकि गुजरात के चुनाव आने वाले हैं और भी कई राज्यों के चुनाव आने वाले हैं इस साल और अगले साल और आगे आने वाले सालों में। तो आपने देखा होगा कि आजकल पार्टियां क्या करती हैं, कई बड़े बड़े वादे कर देती हैं और फिर उसका जो एक्सपेंडिचर है, जो मनी है, वो क्या करती हैं, दूसरी योजनाओं से हटाकर उस एक्सपेंडिचर को भरने में लगा देती हैं। एक बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली का, जिसमें उन्होंने सभी चीज़ें फ्री कर दी थी, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने सब चीज़ें फ्री कर दी और उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने दूसरी जगह जो डेवलपमेंट का पैसा था वो उन्हें इन सब चीज़ों में लगाना पड़ा। तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए इस वीडियो का जो टाइटल है वो आप देख पा रहे हो एडिटोरियल का, कि डोंट लर्न, उनको लिए लुभाओ मत, बल्कि उनके लिए परस्यूडिएट करो, मतलब राजी करो आपको वोट देने के लिए, ना कि आप इस प्रकार के लोक लुभावन बातें करके उनसे आप वोट लो। फीजर रेजिग्नेशन फॉर द फोल प्रोमिस विल इम्पैक्ट डेप्थ इलेक्टोरल कैंपेन्स। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप जो जो वादे करते हो उन वादों पर कितना पैसा खर्च होने वाला है वो सब चीज़ें निकल कर सामने लाओ, तभी ये चीज़ें क्या होंगी, स्पष्ट होंगे। तो ये हर पार्टी के लिए निर्देश दिया गया है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रपोजल रिक्वायर पॉलिटिकल पार्टी टू डिस्क्लोजर द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रोमिस दे मेक इन द मैनिफेस्टो विल एड मीनिंग डेथ इलेक्टोरल कैंपेन। तो यहाँ पर जिस प्रकार से आप अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करते हो उन वादों पर आने वाले खर्च के बारे में भी अब क्या करना पड़ेगा, जिक्र करना पड़ेगा। The idea that party should communicate to electors the feasible rationale for promising delivery of good and service that would involve significant outgo from the exchequer is already part of the model code of conduct from 2015. So यहाँ पर उससे क्या होगा कि जो exchequer है, मतलब जो टैक्स पेयर हैं, उनका ये मालूम होगा कि भाई उनका कितना पैसा इस पर्टिकुलर स्कीम में जा रहा है और उससे चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। और ये एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा है जो 2015 में बनाया गया था। द ईसीआई इज नाउ प्रपोजिंग अ प्रो फार्मा फॉर डिस्क्लोजर। इस प्रकार के डिस्क्लोजर के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो प्रो फार्मा क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। इफ पार्टीज एग्री एंड आइडिया इज इंक्लूडेड इन मॉडल कोड दे विल हैव टू स्पेल आउट द सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट पर्टिकुलर प्रोमिस इज टारगेटेड एट द एक्सटेंट कवरेज द नंबर ऑफ लाइकली बेनिफिशियरी एंड द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग। तो यहाँ पर प्रोफार्मा तैयार करके ईसीआई पार्टीज से बात करेगा और अगर ये सब चीज़ें सही हो जाती हैं तो आपको मैनिफेस्टो में ये भी शो करना पड़ेगा कि आप किस टारगेटेड कम्युनिटी को, समुदाय को, या उसके लिए ये आप स्कीम बना रहे हो और उस स्कीम का कितना खर्चा आने वाला है और वो किस किस के लिए लाभप्रद होगी, वो किस अमाउंट में लाभप्रद होगी, ये सब चीज़ें आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। दे मस्ट ऑल्सो स्पेल आउट हाउ टू रिक्वायर्ड रिसोर्स विल बी रेज्ड। उनको ये भी बताना पड़ेगा कि आप क्या क्या रिसोर्स रेज करने वाले हो इन सब चीज़ों के कारण, क्योंकि सपोज अगर आप किसी को फ्री में गेहूँ दे रहे हो, ठीक है, तो आप कहाँ से गेहूँ लाओगे, उसका कितना खर्च होगा, कहाँ तक कैसे पहुँचोगे, ईच एंड एवरीथिंग उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। टू गिव द पार्टीज एन आइडिया टू फीजल चैलेंज दैट देयर प्रोमिस स्कीम में पोज द सेंटर एंड स्टेट हैव बीन आस्क्ड टू डिस्क्लोज डिटेल ऑफ बजट रेवेन्यू रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर एज वेल एज द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने के लिए, जो प्रोमिस किया जाता है उस प्रोमिस का कहाँ आप कैसे यूज़ कर रहे हो, कहाँ का फंड आपने कहाँ पर लगा दिया, ये सब चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कहाँ क्या है, वो ये सब पार्टीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दैन information is it is believed will provide framework under which manifesto can be assessed by the voter from the perspective of its finance by financial viability। और यहाँ पर जो वोटर हैं वो उनको ये तो बता दिया जाता है कि भाई ये वादे किए गए, उन वादों को पूरा करने के लिए उनको क्या कीमत चुकानी पड़ रही है, इन चीज़ों को भी क्या होना चाहिए, उनके नज़र में आनी चाहिए। इट मे ऑल्सो मेक पार्टी स्ट्रीट मैनिफेस्टो प्रिपरेशन एज अ रिस्पॉन्सिबल एक्सरसाइज मीन टू परस्यूटेड रादर देन लर द वोटर्स। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें क्या करेंगी कि पार्टीज़ को ये बाध्य करेंगी कि जो भी आप
मैनिफेस्टो बना रहे हो किसी भी इलेक्शन का, वो वास्तविकताओं पर आधारित हो, ना कि लुभावन उस पर आधारित हो कि आप लुभाने के लिए वोट लेने के लिए कुछ भी वादा कर दो, आप ये बोल दो कि 2-2 करोड़ रुपए देंगे या ब्ला ब्ला ब्ला। देर इज वाउंड टू बी सम रेसेटमेंट अमंग सेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल क्लासेस। और यहाँ पर सीधी सी बात है, किसी के अंदर गुस्सा होगा, किसी के अंदर खुशी होगी, तो ये कुछ पॉलिटिकल क्लास के अंदर गुस्सा देखने को मिला है सब चीज़ों को लेकर। इट मे बी आर्ग्यू दैट ECI शुड गेट इनटू द nitty-gritty ऑफ द मैनिफेस्टो फॉर्मुलेशन, स्पेशली द मैनर इट्स इम्प्लीमेंटिंग, एज दैट विल बी द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टी दैट कम टू पावर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोमिस। द गाइडलाइन itself arose from the Supreme Court judgment in 2013 upholding the right of parties to make electoral promise even if they involve distribution of consumer goods। तो यहाँ पर 2013 में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसमें उसने सही ठहराया अपहोल्डिंग द राइट उन पार्टीज़ के जो अधिकार हैं उसको, कि वो प्रोमिस कर सकती हैं इवन कंज्यूमर गुड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि भाई आप कंज्यूमर गुड भी दे के आप चुनाव जीत सकते हो या अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ें रख सकते हो। इट वॉज हेल्ड दैट सच अ प्रोमिस वुड नॉट अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिस एंड लॉन्ग एज दीज वर फाइनेंस्ड बाय बजटरी एलोकेशन क्लियर्ड बाय द लेजिस्लेचर दे कुड नॉट बी इनवैलिडेटेड। तो यहाँ पर लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, कि इसमें किसी भी प्रकार का करप्शन शामिल ना हो, और दूसरा जो बजटरी एलोकेशन है वो इनवैलिडेट ना हो। इनवैलिडेट ना होने से मतलब ऐसा है कि मान लो किसी योजना का पैसा कहीं से आया, अब राज्य सरकार को उस पर्टिकुलर सपोज ये घर हर घर जल योजना के लिए पैसा आया, लेकिन उसी समय उस पार्टी ने जो कि सत्ता में है जीतने के लिए एक वादा कर दिया होगा लोगों से, वादा कर दिया सपोज कि उसने वादा कर दिया कि भाई वो फ्री में गेहूँ देगी, तो ऐसा ना हो कि वो हर घर नल योजना का पूरा पैसा आप फ्री बांटने में लगा दो। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि इनवैलिडेट ना हो। द कोर्ट ऑल्सो सजेस्टेड दैट द प्रिवेंट एक्स्ट्रावेगेंट प्रोमिस फ्रॉम अपसेटिंग एक्स्ट्रावेगेंट मतलब अपव्ययी या एक्स्ट्रा खर्च वाले इलेक्टोरल लेवल प्लेइंग फील्ड द ECI कुड ले डाउन सम गाइडलाइन। तो यहाँ पर ECI जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इन सब चीज़ों को लेकर क्या गाइडलाइन जारी कर सकती है। इन प्रैक्टिस हाउएवर द ECI गाइडलाइन डिड नॉट एलिसिट इनफ इन्फॉर्मेशन एंड पार्टीज मेड ओनली रूटीन एंड एम्बिगस डिस्क्लोजर। इफ इम्प्लीमेंटेड डिटेल फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में हेल्प इन्फॉर्म डू वोटर च्वाइस एज अ राइवल पार्टी आर लाइकली टू सब्जेक्ट मैनिफेस्टो प्रोमिस टू इंटेंस स्क्रूटनी। इट मे ऑल्सो हैव मोर मीनिंगफुल इम्पैक्ट बीट पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑफ द पार्टीज विनिंग ओवर इलेक्टोरल विद सिंगल फ्लेक्सिव प्रोमिस। तो ये पूरा का पूरा सीन है, इससे क्या होगा कि जो मैनिफेस्टो होगा उसमें पार्टीज़ को भी एक सोच समझ के मैनिफेस्टो बनाएंगी, और एक जनता के सामने भी एक क्लियर पिक्चर होगी कि आखिरकार इस मैनिफेस्टो से उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल था। आई होप यू लाइक द एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।